channel. In this video I am going to review this sunblock from Neutrogena. So this is their ultra sheer dry touch sunblock with SPF 50 in it. Neutrogena jo hai, it is a very famous skincare brand. Inke products kafi acche hote hain, cleansers, moisturizers, sunblock wagera. तो दिस इज़ देयर सनब्लॉक. आपको ये ट्यूब लाइक पैकेजिंग के अंदर रिसीव होता है. बाय द वे ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर आता है, जो अभी मेरे पास है नहीं, मैंने वो शायद कहीं फेंक दी है या गुम गई है मुझसे. इट हैज़ UVA एंड UVB प्रोटेक्शन ये आपको देता है, और इसमें सारे के सारे केमिकल फिल्टर्स प्रेजेंट हैं. तो ये प्योरली ये केमिकल सनस्क्रीन है, विच मीन्स कि इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है, क्योंकि जो वाइट कास्ट होती है वो मिनरल सनस्क्रीन में होती है बिकॉज ऑफ जिंक ऑक्साइड. बाकी पैकेजिंग आपके सामने है, ट्यूब लाइक पैकेजिंग है. बैक साइड पे डायरेक्शंस वगैरह मेंशन किए हैं कि जब आप घर से निकलें तो ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले इसको अप्लाई कर लें. इसका टेक्सचर वगैरह मैं आपको चेक करवा देती हूँ. इसका काफ़ी क्रीमी सा टेक्सचर है, बट ये है कि फेस पे लगा के बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होता. जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं आराम से. दूसरी जो चीज़ है, ये सनस्क्रीन जो है मेरे पास, इट्स एन इंडियन वेरियंट, तो इसकी जो प्राइस है वो है 1200 से 1500 के राउंड अबाउट. मैंने ये आई गेस 1200 में लिया था. बाकी ये है कि मैं आपको लिंक दे दूँगी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से ये मैंने बाय किया है. आई थिंक मैंने ये मेकअप शेकअप से बाय किया था, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं आपको लिंक्स भी दे दूँगी. तो अभी की जो प्राइस है वो ज़ाहिर है मैं आपको बता नहीं सकती. अच्छा, इसका जो फार्मूला है वो बहुत मॉइस्चराइजिंग सा है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपने इसको जब भी अप्लाई करना है 2 फिंगर रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, क्योंकि सनस्क्रीन आपको एग्जैक्ट प्रोटेक्शन तभी देती है जब आप 2 फिंगर रूल के अकॉर्डिंग उसे यूज़ करते हैं. बाकी इसका फार्मूला काफ़ी मॉइस्चराइजिंग सा है, तो आप अगर इसको लगा रहे हैं इवन विंटर सीज़न में भी, आपकी ड्राई स्किन भी है तब भी आप फेस वॉश करके सिंपल ये सनस्क्रीन लगा लें तो यू आर गुड टू गो. इससे पहले आपको अलग से मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी ये है कि मॉर्निंग स्किन के रूटीन में मॉइस्चराइज़र की भी बचत हो जाएगी. बाकी केमिकल सनस्क्रीन है तो ऊपर आप मेकअप भी काफ़ी आराम से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा. प्लस बॉयज़ के लिए भी काफ़ी फिजिबल रहता है कि केमिकल सनस्क्रीन है तो उनको किसी किस्म का इशू नहीं होगा वाइट कास्ट वगैरह का. डायरेक्शन वगैरह पीछे मैंशन है, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है, मतलब 1200-1300 में आपको मिल जाती है. क्वान्टिटी भी अच्छी खासी है, 180 ml क्वान्टिटी, काफ़ी लंबा अरसा आपका निकल जाएगा. तो आई थिंक कि ये तो आपको मस्ट जो है बाय करनी चाहिए और इसको ट्राई करना चाहिए. प्लस सनस्क्रीन लगाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना पिगमेंटेशन और बहुत से मसले होते हैं. तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच.